हाई स्कूल में कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बायोलॉजी का है, इस तरीके से देख रहे होंगे आप, ये बायोलॉजी का प्रोजेक्ट है आपका। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं आप देख रहे होंगे, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये इसका इस तरीके से चित्र बनाएंगे आप, रिफ्लेक्स एक्शन है आपका ये। उसके बाद में दूसरा आपका है ये हृदय की आंतरिक संरचना का, ये देखिए इस तरीके से बनाना आपको ये। और ये इसका आपको डायग्राम देख रहे होंगे, ये इसका देखिए कितना सुंदर डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में अगला है आपका, ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है, वह हृदय के बारे में। और ये जो आप देख रहे होंगे, देखिए प्रोजेक्ट नंबर 3 है आनुवंशिकता के नियम, इसमें आपके मेंडल के बारे में बताया गया, मेंडल के सभी नियम बताए गए हैं, देख रहे होंगे आप। उसके बाद में ये देखिए आप स्वतंत्र अभिविमोहन का नियम है ये। उसके बाद में ये देखिए आप, ये देख रहे होंगे पुष्पी पौधों में लैंगिजनिक चैप्टर नंबर आपका है प्रोजेक्ट नंबर 4, इसमें आपको देख रहे होंगे ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। और ये सारे पार्ट जाना है, परागण भी दिखाया गया है इसमें, देखिए ये देखिए। उसके बाद में एक केमिस्ट्री है प्रोजेक्ट नंबर 5 में, अम्ल एवं क्षार देख रहे होंगे आप, एक केमिस्ट्री है। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व तो आप ये देख रहे होंगे, ये दूसरा प्रोजेक्ट है केमिस्ट्री का। उसके बाद में ये आपका अगला है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए मानव नेत्र पर है, ह्यूमन आइज पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये देखिए ये इसका डायग्राम है। उसके बाद में ये पवन चक्की पे बनाया हुआ है, देखिए आप देख रहे होंगे ये पवन चक्की पे, ये पवन चक्की का डायग्राम है।